हेलो गाइस, आप सबके लिए बड़ी खबर है जहाँ पर किरण लाल जी की तरफ से, क्योंकि प्रेस वार्ता होगी लाइव, तो इसी का ऑफिशियल ट्वीट आपको बताता हूँ मैं। तो चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं इस वक्त की क्या बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड को लेकर के, क्योंकि अस्पताल रोड जो SMS है वहाँ पर हो रही है प्रेस वार्ता लाइव। तो यहाँ पर देखेंगे ये ट्वीट किया गया है, अभी हाल ही में फर्स्ट इंडिया न्यूज के द्वारा शिक्षक व्याख्याता परीक्षा तिथि मामला डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पत्रकार वार्ता आज शाम 5 बजे अस्पताल रोड पर होगी प्रेस वार्ता। अस्पताल रोड पर स्थित आवास पर होगा आयोजन। बड़ी खबर है यहाँ पर जो किरोड़ीलाल मीणा जी है उनकी तरफ से। आगे और बड़ी खबर है वो भी आपको दिखाता हूँ। अगर आपको भी किसी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रश्न में डाउट है तो 8400400400 के व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को क्लिक कीजिए और क्रॉप करके सेंड कर दीजिए, तुरंत ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ। और उसके साथ आपको ऐप के माध्यम से भी आप क्लास 6 से 12 तक लेकर आप JEE Mains की तैयारी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी डाउनलोड कीजिए। इसके बाद एक और बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल के आ रही है जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बड़ा यहाँ पर बताया है बात। तो सीकर में जो चल रही है संबोधन वार्ता, तो वहाँ पर एक बात इन्होंने कही है कि हमारी सरकार ने बेरोजगारों के लिए नौकरी की घोषणा, 31,000 शिक्षकों की भर्ती की जारी कर दी है, 40,000 टीचर लगाए जा रहे हैं, अन्य कई भर्तियों भी जारी कर दी जाएगी, आने वाले 4 महीनों में 50,000 नौकरियाँ लगेगी। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है कुछ विद्यार्थियों के लिए, पर कुछ जो विद्यार्थी हैं अपने जैसे फर्स्ट ग्रेड टीचर वाले, तो उनको यहाँ पर बड़ी दुख की घटना है, क्योंकि उनकी एग्जाम डेट चाहिए जुलाई या अगस्त में होनी चाहिए। उनका एक ही नारा है कि हमारी जो वैकेंसी हो उसमें 3,000 पद और बढ़े और 8,000 हो जाए। तो कौन कौन सपोर्ट करना चाहता है इसके लिए, मुझे जल्दी से कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए जो प्रेस वार्ता होगी अभी किरोड़ीलाल जी की, वो आपको प्रेस वार्ता भी बताई जाएगी, क्या हुआ प्रेस वार्ता में, संबोधन किया है उन्होंने पूरे राजस्थान को, तो क्या न्यूज आएगी, वो सारी न्यूज आपको मिलेगी। और ऐसी न्यूज लेने के लिए हमारे चैनल को अभी कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी है उनकी आवाज को ऊंचा और दबंग के जैसे बनाना है, क्योंकि उनकी भर्ती जो है वो अभी जुलाई में होनी चाहिए। ये मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, आप जितने विद्यार्थी हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास रहते हैं, बहुत सारे जो अनशन में बैठे हुए हैं उनको मुझे भी बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि अनशन में बैठे हुए हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है इस भर्ती से। वो विद्यार्थी भी वहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं, उन्होंने जो बहुत बहुत प्रयास किया, बहुत ज़्यादा वो प्रयास कर रहे हैं लगातार कई दिनों से। तो दोस्तों, आज इन धरनों को चलते हुए बहुत सारे दिन हो गए हैं, तो अब सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी भर्ती को जुलाई में कर दिया जाए, ताकि जो विद्यार्थी हैं तैयारी जिन्होंने नहीं की है, क्योंकि जो धरने में बैठे इतने दिनों से 20-25 हज़ार आदमी बच्चे जितने भी हैं वो इधर से उधर हो रहे हैं, तो उनकी कोई पढ़ाई हुई नहीं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस भर्ती की तिथि कम से कम जुलाई में कर दी जाए, जुलाई में नहीं तो जून में कर तो कम से कम तो कर दी जाए। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, धन्यवाद। आप तो खुद जानते हो क्योंकि आप धरने में बैठे हुए हो, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।